नमस्कार, मैं डॉक्टर कामरान अली हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली में एक थोरैसिक सर्जन की तरह काम करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है स्टेज 4 लंग कैंसर। इस बीमारी का सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लंग कैंसर का डायग्नोसिस जो होता है बहुत ही लेट होता है। तो अक्सर जब लंग कैंसर का डायग्नोसिस बनता है तो ऑलरेडी स्टेज 4 में जा चुकी होती है। स्टेज 4, जैसा कि आप सब समझते हैं, कि किसी भी कैंसर की सबसे एडवांस स्टेज होती है, जहाँ कैंसर अपने प्राइमरी ऑर्गन से निकल के बॉडी में मल्टीपल जगहों पर स्प्रेड हो चुका हो। ऑलमोस्ट 70-80% लंग कैंसर के केसेस हमें स्टेज 4 में मिलते हैं। जब भी किसी मरीज को हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि न्यूज़ ब्रेक करते हैं कि उनके पेशेंट को स्टेज 4 लंग कैंसर है, तो बहुत ही निराश और हताश हो जाते हैं और लगता है कि अब ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इनफैक्ट अगर हम हिस्टोरिकली जाएँ तो हमें ये पता चलता है कि जब स्टेज 4 लंग कैंसर का डायग्नोसिस होता था तो उसका सर्वाइवल बहुत कम होता था, लेस देन अ ईयर इन मोस्ट डेटा। बट पिछले 2 decades में ये सर्वाइवल बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है, क्योंकि बेहतर से बेहतर दवाइयाँ इसके ट्रीटमेंट के लिए अब उपलब्ध हैं। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि स्टेज 4 लंग कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टेज 4 लंग कैंसर ब्रॉडली किसको बोलते हैं। स्टेज 4 का मतलब होता है ट्यूमर अपने प्राइमरी ऑर्गन से निकल के बॉडी के किसी और हिस्से में चला जाए। स्टेज 4 लंग कैंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर एक लंग से निकल के दूसरे लंग में कैंसर चला जाए तो वो स्टेज 4 है, या कैंसर लंग में से निकल के जो लंग की लाइनिंग होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं उसमें चला जाए तो वो भी स्टेज 4 लंग कैंसर है, या फिर लंग से निकल के कैंसर लिवर में चला जाए, ब्रेन में चला जाए या बोन्स में चला जाए तो उसे स्टेज 4 लंग कैंसर बोलते हैं। तो जब भी लंग कैंसर का डायग्नोसिस बनता है तो उसके साथ हमें उसे स्टेज में कैटेगराइज करना होता है। तो उस स्टेजिंग के लिए हमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, बायोप्सी, यानी उसका टिश्यू क्या है, उसका टिश्यू डायग्नोसिस क्या है, और दूसरा उसका स्प्रेड क्या है, यानी वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो बायोप्सी यानी टिश्यू लेने के लिए हमारे पास बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे कि नीडल बायोप्सी, FNAC, कोर बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी, और उसकी स्टेज देखने के लिए हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज़ होती हैं वो यूजुअली 2 पार्ट्स में करते हैं हम। एक जो रेस्ट ऑफ द बॉडी को देखती है और दूसरी जो ब्रेन को देखती है। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी को स्कैन करने के लिए हम पेट स्कैन यूज़ करते हैं और ब्रेन को स्कैन करने के लिए हम नॉर्मली MRI ब्रेन या CT स्कैन ऑफ द ब्रेन यूज़ करते हैं। जिन जगहों पे पेट स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे हम हेड एंड नेक CT, चेस्ट CT और एब्डोमिनल CT से भी स्टेजिंग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेज 4 ट्यूमर के ट्रीटमेंट में होती है उसकी बायोप्सी। बायोप्सी से हमें पता चलता है ये किस प्रकार का लंग कैंसर है। लंग कैंसर के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो बायोप्सी में ट्रेडिशनली हम सिर्फ ये देखते थे कि नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है या स्मॉल सेल लंग कैंसर है, उसका सब टाइप क्या है। बट ऑफ लेट पिछले 10 साल से हम लोग उसकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं, यानी बायोमार्कर टेस्टिंग भी करते हैं, जिसमें हम ट्यूमर के DNA को स्टडी करते हैं। तो बायोमार्कर टेस्टिंग या जेनेटिक टेस्टिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो हमने ट्यूमर है उससे एक बायोप्सी ली, चाहे वो नीडल से हो या सर्जरी से हो, और उस बायोप्सी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसके अंदर हमने उसकी मॉलिकुलर स्टडी करी, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करी। कई बार ऐसा होता है कि हम टिश्यू डायग्नोसिस नहीं कर सकते, यानी बायोप्सी नहीं कर सकते, पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है या जो ट्यूमर है वो एक्सेसिबल नहीं है बायोप्सी के लिए, तो उस सिचुएशन में हम लिक्विड बायोप्सी कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसके ब्लड में ट्यूमर जो DNA सीक्रीट कर रहा है उसको स्टडी कर सकते हैं। लिक्विड बायोप्सी एक अच्छी मोडालिटी है। हाउएवर 30% केसेस में लिक्विड बायोप्सी में कोई आंसर नहीं आता है। इफ़ गिवन अ चांस एंड इफ गिवन प्रायोरिटी तो ट्रेडिशनल बायोप्सी जो होती है जिसमें हम सेल्स लेते हैं ट्यूमर से वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड बायोप्सी। जब भी हमारे पास कोई स्टेज 4 लंग कैंसर का मरीज आता है तो उसे ट्रीट करने के हमारे पास 3 ब्रॉड ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 टारगेटेड थेरेपी, नंबर 2 इम्यूनोथेरेपी और नंबर 3 कीमोथेरेपी। स्टेज 4 में सर्जरी और रेडियोथेरेपी का बिल्कुल मिनिमल या कोई रोल नहीं होता है। तो जो पहली मोडालिटी मैंने बताई टारगेटेड थेरेपी, वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग थेरेपी है, जिसमें मैंने जैसा बताया पहले कि हम ट्यूमर का
मॉलिकुलर एनालिसिस करेंगे, उसके लिए बायोमार्कर्स को टेस्ट करेंगे। कॉमनली 10-12 प्रकार के मॉलिकुलर टेस्ट्स होते हैं जो हम एक ट्यूमर टिश्यू पे रन करते हैं, जैसे कि ALK, EGFR, ROS, BRAF, HER2, NET, RET, etc. टारगेटेड थेरेपी क्यों बेहतर है ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी से? वो इसलिए क्योंकि टारगेटेड थेरेपी सिर्फ ट्यूमर सेल्स को टारगेट करती है, वो नॉर्मल सेल्स पे कोई भी असर नहीं करती। तो इस वजह से जो उसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है। तो हम एक ट्यूमर टिश्यू का टारगेटेड स्टडी करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन सी म्यूटेशन एक्शनेबल है, यानी कौन सी म्यूटेशन पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया 11-12 म्यूटेशंस है, उन सब के लिए एक स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल है जो उन म्यूटेशंस को टारगेट करती है और ट्यूमर को ख़त्म कर सकती है। सेकेंड मोडालिटी Stage 4 कैंसर को ट्रीट करने के लिए है इम्यूनोथेरेपी। हर इंसान का एक इम्यून सिस्टम होता है जो किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या ट्यूमर सेल से लड़ता है। कैंसर में कई बार कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ट्यूमर को इम्यून सिस्टम से डिटेक्ट होने से रोक लेते हैं, यानी इम्यून सिस्टम ट्यूमर को किल करना चाहता है बट उसको डिटेक्ट करने से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो रोक लेते हैं, जिनको हम इम्यून चेक ब्लॉकर्स या इम्यून चेक इनहिबिटर्स बोलते हैं। इम्यूनोथेरेपी इन इम्यून चेक इनहिबिटर्स और इम्यून चेक ब्लॉकर्स को सप्रेस करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को अलाउ करती है कि वो कैंसर सेल्स को किल कर पाए। इम्यून थेरेपी अलोन या इम्यून थेरेपी इन कॉम्बिनेशन विद टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी इन कॉम्बिनेशन विद कीमोथेरेपी बहुत अच्छा सर्वाइवल दे सकती है Stage 4 कैंसर पेशेंट्स को, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनका सर्वाइवल दोनों प्रोलॉन्ग कर सकती है। थर्ड मोडालिटी जो कि ट्रेडिशनल मोडालिटी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ Stage 4 लंग कैंसर, वो है कीमोथेरेपी। बट ऑफ लेट जो स्टडीज़ आ रही हैं, जो डेटा आ रहा है, उसमें ये पता चल रहा है कि अगर हम ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी को नई थेरेपीज़ के साथ क्लब कर दें, जैसे कि कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी या कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी, तो जो ट्रीटमेंट आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जब हमारे पास कोई एक Stage 4 लंग कैंसर का पेशेंट आएगा और उसमें हम एक मॉलिक्यूलर एनालिसिस रन करेंगे, तो लेस देन 1/3 पेशेंट्स में टारगेटेड थेरेपी की कुछ एक्शनेबल म्यूटेशंस हमें मिल सकती हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द म्यूटेशन क्या पॉजिटिव आ रहा है, जो इफेक्टिव टारगेटेड थेरेपीज़ हैं वो ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स में अच्छा इफेक्ट दिखाएंगी और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देंगी और उनके ट्यूमर को जड़ से भी मिटा सकती हैं। कुछ 50-60% पेशेंट्स होंगे जिसमें टारगेटेड थेरेपी के एक्शनेबल म्यूटेशंस नहीं मिलेंगी, बट एक म्यूटेशन होती है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी के लिए चेक करते हैं, जो इम्यूनोथेरेपी का टारगेट होता है PD-L1, उसको हम चेक करते हैं। अगर PD-L1 जिन भी पेशेंट्स में 1% से ज़्यादा स्कोर है उनमें सर्वाइवल बहुत अच्छा देखा गया है अगर हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, और इम्यूनोथेरेपी के साथ अगर हम ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी को मिक्स कर देते हैं तो आउटकम्स और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स होंगे जिसमें ना टारगेटेड थेरेपी के लिए कोई म्यूटेशंस मिलेंगे ना इम्यूनोथेरेपी के लिए कोई म्यूटेशंस मिलेंगे, इन पेशेंट्स में भी निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है और इन पेशेंट्स में भी हम इम्यूनोथेरेपी प्लस ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी दे सकते हैं जिसका आउटकम ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी से बेहतर होता है। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन थेरेपीज़ को देने के बाद क्या सर्वाइवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक Stage 4 लंग कैंसर के पेशेंट में। तो वो पेशेंट्स का सबग्रुप जिसमें हम सिर्फ टारगेटेड थेरेपी दे रहे हैं उसमें डिपेंड करता है कि कौन सी म्यूटेशन पॉजिटिव आई है, उसके अकॉर्डिंगली उसका सर्वाइवल होगा। फॉर एग्जांपल अगर ALK म्यूटेशन पॉजिटिव आती है कुछ पेशेंट्स में तो ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स का सर्वाइवल आप उन पेशेंट्स में देख सकते हैं, जो पहले 7-8 महीने ही हुआ करता था वो अब 7-8 साल तक का सर्वाइवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी के लिए PD-L1 पॉजिटिव आता है उनमें हम अगर कीमोथेरेपी प्लस ट्रेडिशनल इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो उनमें हम 2-3 ईयर्स का सर्वाइवल देख रहे हैं आजकल, और अगर हम 5 ईयर सर्वाइवल की बात करें तो 1 out of every 4 पेशेंट्स विल सर्वाइव बियॉन्ड दैट। और जो तीसरा सब ग्रुप होगा जिसमें ना टारगेटेड थेरेपी पॉजिटिव आई ना इम्यूनोथेरेपी के म्यूटेशंस पॉजिटिव आए, उन सब ग्रुप्स में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लोअर सर्वाइवल है, क्लोज टू 1 or 2 ईयर्स। बट अच्छी चीज़ ये है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी हर साल हम देख रहे हैं कि ये नंबर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और आउटकम्स Stage 4 लंग कैंसर में बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो Stage 4 लंग कैंसर इन कंक्लूजन एक डेथ सेंटेंस नहीं है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो Stage 4 लंग कैंसर होने के बावजूद
8-10 साल से ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू।